हर कोई बात करता है मेल मास्टरबेशन की, लेकिन फीमेल्स कैसे मास्टरबेट करती हैं या वो खुद को कैसे प्लेजर करती हैं? बहुत सारी ऐसी मैरिजेज हैं जहां मेल इंटरेस्टेड नहीं होते, तो औरतें खुद को कैसे चरम सुख तक पहुंचाती हैं और कैसे खुद एंजॉय करती हैं, आज इस वीडियो में बात करूंगी। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत से लोगों को उसकी नॉलेज ही नहीं है और फीमेल्स को पता ही नहीं है कि विदाउट अपनी वर्जिनिटी को डिस्टर्ब करे बिना खुद को कैसे प्लेजर देना है, मैं आज बताने वाली हूँ। सो हाय, आई एम डॉक्टर नेहा, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश है कि सेक्स संबंधी सही जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाए। और आज मैं खुल के बात करने वाली हूँ कि फीमेल्स या लेडीज कैसे खुद के साथ मास्टरबेट करती हैं और कैसे वो खुद को प्लेजर तक पहुँचाती हैं। डिटेल में बात करूंगी, ये वीडियो आपको अंत तक देखनी है, मुझे पता है आप देखेंगे। लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए, मैं बात कर रही थी फीमेल मास्टरबेशन की। अब ऐसे बहुत सारे केसेस रूटीन में आते हैं जब मेल्स ये कंप्लेंट लेकर आते हैं कि मुझे मास्टरबेशन की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, मैं इसमें कंपेल्ड फील करता हूँ। और लोगों को ये बहुत बड़ा मिथ है कि लड़कियों को ऐसा नहीं होता, जबकि ये आंकड़ा बिल्कुल ही ऑपोजिट है। फीमेल्स भी उतनी ही एक्टिवली सेक्स और मास्टरबेशन करना चाहती हैं और उनके भी दिमाग में भी ये घूमता रहता है और वो करती भी हैं। लेकिन क्या तरीका होता है, कैसे बैलेंस करना है, सही तरीका क्या है, वो भी मास्टरबेशन के जाल में फंस जाती हैं, एडिक्शन के जाल में फंस जाती हैं, तो क्या सही तरीका है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तरीका जो फीमेल खुद से मास्टरबेशन करते हुए यूज़ करती हैं वो है फर्नीचर से रगड़ना। बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जो फर्नीचर, कोई सोफ़ा हो सकता है, कोई साइड का कोई फर्नीचर का कोई स्टैंड हो सकता है, स्टूल हो सकता है, जिससे वो अपना जो क्लिटोरस है उससे रगड़ती हैं। फीमेल्स में यूजली 5 तरीके का मास्टरबेशन ज़्यादा किया जाता है। पहला, क्लिटोरस स्टिमुलेशन, मतलब पेनिट्रेशन नहीं, इंटरकोर्स नहीं, मतलब उनके जो योनि के ऊपर का एक दानेदार हिस्सा है जिसे हम लिप्स कहते हैं या क्लिटोरस कहते हैं, उसे वो रगड़ती हैं, मसलती हैं या फिर फिंगर यूज करती हैं, जिसे हम क्लिटोरस स्टिमुलेशन कहते हैं। दूसरा तरीका होता है पेनिट्रेशन, जिसमें वो अंदर फिंगर इंसर्ट कर सकती हैं या फिर टॉय या फिर हम बोल सकते हैं कोई चीज़ वो अंदर इंसर्ट करना चाहे कॉन्डम पहनाकर, वो करती हैं ताकि उन्हें चरम सुख, दैट मीन्स उन्हें प्लेजर मिल सके, ऑर्गाज्म मिल सके। तीसरा तरीका होता है एरोजीनियस मास्टरबेशन, जिसे हम कहते हैं कि सिर्फ क्लिटोरस और वजाना को छोड़कर उनकी निपल्स हो सकती हैं, कमर हो सकती है, चेस्ट हो सकता है, पेट के नीचे का एरिया हो सकता है जिसमें वो छू कर या खुद को उस पर किस करके या बाइट करके अपने आप को प्लेजर देती हैं। फिर हम बात करते हैं एनल प्लेजर की। कई ऐसी फीमेल्स हैं जो अपने एनल में कुछ पेनिट्रेट करके, कुछ डाल के, जैसे कोई टॉय हो सकता है, उससे खुद को ऑर्गेज्म देती हैं। ये मास्टरबेशन के तरीके कॉम्बोज भी हो सकते हैं, जिसको ये भी पसंद है, एरोजीनियस भी पसंद है, उसको वजाइनल भी पसंद है, एनल भी पसंद है, इस तरीके से भी वो खुद को प्लेजर देती हैं। यहाँ वो टॉय के साथ प्लेजर दे सकती हैं, फर्नीचर के साथ खुद को रगड़ के प्लेजर दे सकती हैं, पिलो के साथ कर सकती हैं। कई ऐसी फीमेल्स हैं जो थाइस को आपस में रब करती हैं और उन्हें डिस्चार्ज होता है। कई फीमेल्स पॉर्न वॉच करके या कोई मूवी वॉच करके स्टिमुलेट करती हैं, कई फिंगर्स का इस्तेमाल करती हैं। कई ऐसी फीमेल्स हैं जो बेडशीट को रगड़ती हैं आपस में, थाइस के बीच में। कई ऐसी फीमेल्स हैं जो मास्टरबेशन करने के लिए बाथ फिसेट्स का यूज़ करती हैं, जैसे जब वो वॉशरूम जाते हैं तो शावर हेड्स मिलते हैं, छोटे छोटे शावर हेड्स होते हैं जिससे पानी आता है, तो बहुत ज़ोर से जब पानी नीचे पड़ता है तो उससे भी बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील होता है। और कई फीमेल्स इस मेथड से भी खुद को मास्टरबेट करती हैं। ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो लोगों को पता नहीं है, बट एक्चुअली फीमेल इन्जॉय करती हैं, बाथ टब में मास्टरबेट करना या फिर अकेले लेटे हुए मास्टरबेट करना, जो लोगों को लगता है सिर्फ मेल्स में होता होगा, फीमेल्स तो कौन देखता होगा। एक्चुअली उनका भी दिमाग इतना ही सेक्स करने को करता है जितना मेल्स का करता है, या उतने ही थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं जब उनकी राइट एज हो जाती है, या जब बोलें कि हम हार्मोनल बैलेंस उस एज तक पहुंच जाता है जब उन्हें ये प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप भी ऐसे मेल हैं जिनकी सेक्सुअल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, या फिर उनको इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है या अर्ली इजैकुलेशन के इश्यूज हैं, ऐसे में अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर को मोटिवेट करते हैं कि वो खुद से अपने आप को प्लेजर दे पाएं,
खुद से मास्टरबेट कर पाए तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मेल्स को ऐसा लगता है कि भाई मैंने कर लिया, मेरी वाइफ करे ना करे, मुझे क्या प्रॉब्लम है। बट एक्चुअली अगर आप उन्हें मोटिवेट करें और ये बोले देखो मेरे को तो, मैं तो भी ट्रीटमेंट पे हूँ या मैं तो मेडिसिन ले रहा हूँ, ऐसे में अगर आप खुद को प्लेजर करना चाहती हैं तो इनमें से कोई भी तरीका आप यूज कर सकती हैं। एक और रिक्वेस्ट मैं यहाँ करूंगी कि जो भी फीमेल खुद को मास्टरबेट करती हैं, बहुत जरूरी है कि वो ल्यूब का इस्तेमाल जरूर करें। ल्यूब के बारे में मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, बहुत सारे से ल्यूब्स हैं, फ्लेवर्ड ल्यूब्स हैं, नॉन फ्लेवर्ड हैं, सिलिकॉन है, वाटर बेस्ड है, ल्यूब जरूर यूज करें, क्योंकि एक अच्छा ल्यूब वहां की ड्राइनेस को रोकेगा। साथ साथ अपने नेल्स को ट्रिम जरूर करें, क्योंकि वहां पे अगर जरा सा भी कुछ लग गया तो ब्लीडिंग हो सकती है, फिर उसमें STIs होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कॉन्डम यूज करना चाहती हैं बिल्कुल करें, और कोई भी टॉय इंसर्ट करने से पहले या कोई भी चीज इंसर्ट, कैंडल इंसर्ट करती हैं कई फीमेल्स, या फिर कुछ वेजिटेबल्स इंसर्ट करती हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो कॉन्डम का यूज जरूर करें। स्पाइस अप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी सेफ्टी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होती हूँ। तब तक आपको लगता है कि ऐसे कोई टॉपिक है जिस पर डॉक्टर ने यहाँ वीडियो बनाया तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, और इस चैनल पर अपना प्यार देना नहीं भूलें। और अगर आप या आपकी वाइफ भी किसी नए तरीके से करते हैं जो शायद मैंने अभी यहाँ मेंशन नहीं किया है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। इंस्टाग्राम फेसबुक जुड़ने के लिए डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें इस चैनल को। बने रहें, जुड़े रहें।